आप लोग को बताऊं या ना बताऊं, थोड़ा सा वो हो रहा है। माय बर्थडे इज कमिंग सून, तो कल है मेरा बर्थडे। देख सकते हैं गाइस, ये मैंने बोर्ड पे बनाया, तो यहाँ पर हमारा मादारा उचिहा कपल्स का ड्राइंग बनाया था मैंने, और ये भी बनाया था गाइस, वीडियो भी आएगा, तो देखते हैं बर्थडे में क्या होगा या क्या नहीं। कुछ ये वीडियो होगा रिसेंट आर्ट वर्क के ऊपर गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा मेरा रिसेंट आर्टवर्क जो कि फिलहाल में मैंने बनाया था। वीडियो होगा रिसेंट आर्टवर्क के ऊपर गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। बिना किसी देरी के गाइस, आप लोगों को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा तो क्या क्या है क्या क्या नहीं और कितना टाइम लगा मुझे ये आर्टवर्क बनाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइस, मैंने यहाँ पर बनाया था राधा जी और कृष्ण जी का आर्टवर्क बनाया था। सो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर यूज किया है चारकोल और पेंसिल यूज किया है गाइस। यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है गणपति बाप्पा, तो गणेश जी का हमने एक प्यारा सा ड्राइंग बनाया। सो इसको मैंने यूज किया है, यहाँ पर यूज किया है एक्रेलिक पेंट्स। सो एक्रेलिक पेंट से बनाया ये, मुझे आर्टवर्क बनाने के लिए शायद मुझे 16 आवर्स लगा। तो हमारा प्यारा सा डोरेमोन। सो ये ड्राइंग को मैंने गाइस, मतलब एक मैंने वाटर लिया और यहाँ पर स्प्लैश करके इसको यहाँ पर आर्टवर्क किया है। तो देख सकते हैं ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, मैंने वाटर को ऐसे करके स्प्लैश किया था और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर आर्टवर्क किया था। सो गाइस, जिसने चेंसो मैन देखा है उनको तो पता चल गया होगा कौन है ये। कमेंट कर सकते हैं गाइस कि ये कौन है। स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पेंट्स जो कि मैंने एक्रेलिक पेंट से बनाया, ज़्यादातर मैं एक्रेलिक पेंट से बनाता हूँ। तो सिंचैन नोहारा ये भी मैंने वाटर को स्प्लैश करके बनाया गया, सेम टू सेम डोरेमोन जैसा है, देख सकते हैं। ये है हम लोग का मोटू और पतलू की जोड़ी, तो देख सकते हैं गाइस। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये गाइस मुझे आर्टवर्क करने के लिए मुझे एक दिन लगा शायद, देख सकते हैं। शिव जी और माता पार्वती जी का मैंने ये ड्राइंग बनाया था। सो एक्चुअली ये इनकम्प्लीट है, देख सकते हैं मैंने आइस में ज़्यादा नहीं किया, तो इनकम्प्लीट है, किसी दिन इसको भी कंप्लीट करेंगे गाइस। सो गाइस, ये मैंने होली के दिन बनाया था दादाजी और कृष्ण जी का। सो देख सकते हैं होली के दिन मैंने होली स्पेशल, किसको याद है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं गाइस, क्योंकि मैं यूट्यूब पे पोस्ट करता रहता हूँ शॉर्ट्स, मतलब जो भी ओकेजन होता है उस ओकेजन में वही वीडियो बनाने का ट्राई करता हूँ। और गाइस हनुमान जी का गाइस, मतलब इस पे मुझे इंस्टाग्राम पे 200-250 के आया था, ये मेरा फर्स्ट वीडियो वायरल गया था, मतलब आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं गाइस। और गाइस यहाँ पर है हमारा लूफी दी मंकी, सो जिस जिसने वन पीस देखा है वो कमेंट कर सकते हैं गाइस, उन लोगों का तो फेवरेट ही होगा। सो गाइस बुद्ध भगवान, सो बुद्ध जी का मैंने आर्टवर्क बनाया था बुद्ध पूर्णिमा में, सो देख सकते हैं ये भी मैंने एक्रेलिक पेंट से किया है। सो मुझे आर्टवर्क करने के लिए 10 आवर्स लगे। सासुके उचिहा जो कि मैंने एक्रेलिक से बनाया, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक वाइटनर भी यूज़ किया है गाइस, ये वाइट का ऐसे करने के लिए, आउटलाइन करने के लिए, देख सकते हैं। सो शिव जी गाइस, मुझे ये लगता है कि मेरा ये आर्टवर्क मतलब इनकम्प्लीट है, पता नहीं शायद यहाँ और चेहरे में जो है मतलब गैप है, इसी वजह से शायद इनकम्प्लीट लग रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मंडाला आर्ट। सो गाइस ये मैं भूल गया, ये मैं बहुत जब मैं छोटा था तो ये कार्टून बहुत ही ज़्यादा देखता था। गाइस क्वालिटी देख सकते हैं क्योंकि ये पेपर बहुत ही अच्छा है गाइस। और ये है गाइस एम स्टैम ब्रिक पेंट्स यूज किया, और यहाँ पर मैंने ब्रश पेंट यूज किया है, मोटो कमेंट फ्लावर बनाया मैंने। सो ये मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा स्टाइल से बनाया गाइस, क्योंकि मैं ऐसा टाइप का नहीं बनाता हूँ। सो देख सकते हैं राम जी और सीता जी का वक्त, तो मैंने ये बनाया है रामनवमी पे मैंने ये बनाया था। सो आपको कैसा लगा वो कमेंट कर सकते हैं। फिर से गाइस हनुमान जी का वही ड्राइंग, सो ये वन ऑफ द बेस्ट ड्राइंग है गाइस, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो गाइस लूफी दी मंकी गियर 5, सो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। ये भी मैंने एक्रेलिक पेंट्स और यहाँ पर मैंने ब्रश यूज किया है, सो देख सकते हैं। उज़ुमाकी नारुतो, ये नारुतो का बेस्ट ड्राइंग है, मैंने अभी तक मतलब जितने भी नारुतो का पेंटिंग किया है ये सबसे बेस्ट है, देख सकते हैं। यहाँ पर है हमारा मादारा उचिहा तो गाइस, बहुत ही मतलब मुझे इतना टाइम लगा कि मतलब मैं हार मानने वाला था गाइस, गिव अप करने वाला था, फिर भी मैंने हार नहीं माना। सो देख सकते हैं गाइस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ड्राइंग, मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है गाइस ये ड्राइंग, मुझे बहुत ही पसंद है। नाता और नारुतो
ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट कपल से, मुझे तो इनाता वैसे ही पसंद है। मैं तो फिदा हूँ इनाता के ऊपर, तो नोरूटो भी अच्छा लगता है, पर इनाता के ऊपर मैं कुछ ज़्यादा ही फिदा हूँ। आई लव इनाता। तो यहाँ पर डिमन स्लेयर का जुनिसु, ये भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ ख़राब हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पर मनीसर यूज़ किया था, और मैंने मतलब जो ब्रश होता है मैंने गंदा ब्रश यूज़ कर दिया था, तो मेरा पूरा ड्राइंग ही ख़राब हो गया था। ये भी मैंने एक्रेलिक पेंट से यूज़ किया, तो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है गाइस ये पेपर का। सो कृष्ण जी का गाइस देख सकते हैं, तो मैंने ये आर्टवर्क कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बनाया था। चलिए ऐसा होता है ये आर्टवर्क, सो देख सकते हैं। मतलब मैं ऐसा आर्टवर्क ज़्यादातर नहीं करता हूँ गाइस, सो आप लोगों का कमेंट आया तो ऐसा आर्टवर्क भी करूँगा गाइस। माउस ये बनाया मैंने, पता नहीं क्या बनाया, ऐसे ही बना दिया देख सकते हैं। मैं इसका नाम भूल गया, पता नहीं क्या कैट है, सिमोन शायद जी गए, मतलब सिमोन कैट बनाया था। सो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये मेरा रिसेंट आर्टवर्क है, और भी बहुत ही सारे है गाइस मेरे पास आर्टवर्क। सो देख सकते हैं गाइस आर्टवर्क्स बहुत ही ज़्यादा है गाइस, मिनी आर्टवर्क्स तो और भी ज़्यादा है मेरे पास, जितना करूँ उतना ही ज़्यादा है। देख सकते हैं यहाँ पर भी ये पूरा आर्टवर्क है। सो गाइस ये आप लोग को मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इतना कवर नहीं कर सकता और आप लोग को भी वीडियो बोरिंग लग जाएगा गाइस। सो आप लोग ने एंड तक वीडियो देखा कि नहीं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा रिसेंट आर्टवर्क है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, ये मैंने बोर्ड पे बनाया है। सो मेरे देख सकते हैं गणेश जी का बनाया था मैंने, तो ये मैंने कैनवस बोर्ड पे बनाया था। ये प्लाई बोर्ड है, तो प्लाई बोर्ड पे मैंने बनाया था काकासी हक्का कपल्स का ड्राइंग बनाया था मैंने, सेम बनाया था। सो गाइस इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो आप लोग डीएम कर सकते हैं, बहुत सारे ड्राइंग पड़े हुए। सो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और गाइस आप लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि करण आप ये ड्रॉ कीजिए। तो गाइस लाइक इट, तो थैंक यू सो मच गाइस आप लोग के प्यार और सपोर्ट के लिए। और गाइस कुछ आने वाला है, तो आप लोग को बताऊं या ना बताऊं थोड़ा सा वो हो रहा है। सो माई बर्थडे इज कमिंग सून, तो कल है मेरा बर्थडे, सो बर्थडे का वीडियो भी आएगा, तो देखते हैं बर्थडे में क्या होगा या क्या नहीं, कुछ करेंगे या नहीं, तो देखेंगे गाइस। तो बर्थडे कल है मेरा, सो होप यू गाइस लाइक इट, अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।